एक नागरिक आपका मेजबान आसिफ रिमाई नजर है इस वक्त तहरीक इंसाफ की सेंट्रल पाकिस्तान की जनरल सेक्रेटरी शबीना शहीन और सेंट्रल पंजाब की प्रेजिडेंट शहनाज खान मेरे साथ हैं, तो मैं उनसे आपको पूछ कर बताता हूँ कि मीनार पाकिस्तान में पहुँचने के लिए चूँकि बड़ी मुलामतें और रुकावटें खड़ी की गई हैं, तो इनकी तरफ से क्या तैयारी है? हुकूमत ने तो जो तैयारियाँ की हैं वो तो उन्होंने सब बता दी है, तो मैं इन खवातीन से पूछता हूँ कि ये कैसे वहाँ पर जो है ना पहुँचेंगे, इसके लिए उन्होंने क्या तैयारी जी? मैडम बड़ी रुकावटें हम भी पूर करके आए हैं और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक बहुत ज़्यादा हालात जो है ना वो पेचीदा करने की कोशिश की जा रही है। आप संग नागर हैं तो आप इन सारी रुकावटों का, इन मुश्किल का कैसे मुकाबला करेंगे? यार गर्मी भी बड़ी पड़ रही है और ग्राउंड के अंदर पानी भी जो फेंक दिया गया है, तो आप कैसे पहुँचेंगे? एक मोटो है कि हमारे लिए है कि बदला ही से बदल मांगते हैं और उसी से मिले करते हैं, तो ये एक देखिए अवामी मुहिम है। इसमें मैं ये सिर्फ बताना चाहती हूँ कि खिलाफी जा रहे हैं, कोई मार काट जा रहे हैं, आम खवातीन में जो मुझे एहसास हुआ है कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है ना यहाँ कानून है ना ऑर्डर है ना जस्टिस है, जस्टिस क्या है? इनजस्टिस है, तो हम लोग आम आवाम क्या करें? मुझे ये समझ नहीं आ रही है क्या करने के लिए, और मैंने देखा मास्क भी आप लोगों के पास है, नमक भी आपने रखा हुआ है, पानी भी रखा हुआ है, तो इसके अलावा आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं और क्या रुकावटें जो आपके ज़हन में हैं जिसकी आपने अभी तक तैयारी कर रखी है? इधर से जरा रोजाना हो इधर तो आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग मसल्स चाहिए, फिर मैंने आपके गेस्ट आ चुके हैं, पूरी डरे हमारे गेस्ट आ चुके हैं, पूरी हुकूमत हमारे गेस्ट चली है, वो हमें जगह का नाम दे रही है, हम सिविलाइज्ड शहरी हैं, हमारी इसलिए पूरी तैयारी है कि हम चार औरतें भी जा रही हूँ उनको शहरी करना शुरू कर देंगे, तो हम कोई ये सिंफे अहम है कि सिंफे नाजुक नहीं है, ये आपको लग रहा है कि वो औरतें हैं नहीं, वो चेहरा वहां का चेहरा लेके तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि आप बिल्कुल सिंफे नाजुक लग रहे हैं, तो खान जो कर रहे हैं राह से कर रहे हैं तो फिर तो आप से डरना चाहिए, मुझे भी डरना चाहिए, और मैं शनाज खान भी हूँ और मैं सरदार में कश्मीर से हूँ, और हम वो पहाड़ी लोग हैं जो पहाड़ों में रहते हैं, तो हम कैसे डरपोक हो सकते हैं? हम तो वॉरियर्स क्लैन में से हैं, हमने तो लड़ के अपने इलाके हासिल किए हैं, मैं उस क्लैन से हूँ, अल्लाह का शुक्र है हम किसी चीज़ से नहीं डरते और हमें ना कोई डरा सकता है, हमने बहुत हिम्मत कि मैं नहीं, मेरे साथ सब खवातीन हैं जितनी भी आपको लगती हैं सबके आहार हैं, इन्होंने एक एक वुमेन ऑफ सब्सटेंस कहते हैं, इन सब में एक अपना एक जज्बा है और अपनी मजबूती है जिसको साथ लेके ये हमारे साथ ये आज से ही चल रहे हैं, हम लोग कब से खान के साथ इसी जद्दोजहद में और इसी मुश्किलात को कंट्रोल करते हुए हम साथ अबूर करते हुए हम चल रहे हैं, और हमने 2013 2014
हमने ये सब शेलिंग देखी हुई है। अभी भी हम पिंडी इस्लामाबाद में सब इकट्ठे थे, हम ये शेलिंग अभी भी देख के आए। हमें इन शेलिंग सब, हमने अपना हिफाजत के सब सामान भी रखे हुए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सारी रुकावटें दूर करके ये सारी मेरी बहनें जो खान और एक मकसद एक कॉज के लिए निकली हुई है, ये कोई अपने लिए नहीं निकली हुई, ये अपनी कोई सेल्फियों के लिए अपनी तस्वीरों के लिए नहीं निकली हुई, ये सब खवातीन निकली हुई है एक कॉज के लिए, इस मुल्क के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए। जबरदस्त जी, शिनाज खान ने तो पटाखे निकाल दिए हैं, तो ये मुझे लगता है कि अगर ये मैसेज जो है ना मरियम नवाज तक पहुंचेगा तो वो भी जो है परेशान होगी। तो यहाँ पे मेरे साथ समीना हयात भी हैं, तो मैं उनसे भी पूछता हूँ कि इनका जो माजी की जो इनकी सियासत है उनको अगर हम देखें तो इनकी भी बड़ी दबंग सियासत है, और ये जो मुजामती सियासत में जो ना इनका बड़ा अहम किरदार है, और ये गुफ्तगु भी करती हैं तो वो क्या कहते हैं जो सामने मुहाफिन होते हैं उनके दरों दीवार हिला देती हैं। आज देखिए इनका आजम क्या है, पूछते हैं इनसे। बहुत शुक्रिया जी, हम खान साहब की पुकार पे सारे पूरा पाकिस्तान बाहर निकला है, और खान साहब किसके लिए बात कर रहे हैं, हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए, हमारे बच्चों के लिए। मैडम मैं ये तो बात बहुत हो चुकी है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि जैसे मैंने वो शिनाज खान साहब का सबक से पूछा तो उन्होंने कहा जी माशाल्लाह चेहरे से बड़ी लगती है कि ये बड़ी सीधी सादी है, मगर जो इन्होंने प्रोग्राम बनाया वो तो बड़ा ये आम साहब कारकुनों को जो आपके साथ कारकुन उनको बड़ा परफेक्ट करेगा, और मुझे लग रहा है कि जैसे आपने तैयारियां की हुई हैं तो हुकूमत पंजाब तो क्या जो मर्जी आज आपको रोक नहीं सकेगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप अपने दबंग स्टाइल जो है आपने क्या हिंदू ने बनाई हुई है इंडिविजुअली तौर पर जाती तौर। देखिए इंडिविजुअली मैं सिर्फ सम अप ये करूंगी कि ये उस्तानिया है मेरी। अच्छा। और मैं शागिर्द हूँ। अच्छा। तो शागिर्द का ये हाल है तो उस्तानिया क्या चीजें हो, तो ये आप देख लें कि मेरे उस्ताद मेरे साथ है और हम सारी टीम वर्क के साथ काम कर रही है, और माशाल्लाह से कितना जमे कफी इकट्ठा हुआ है बिजलियों का कि हमसे संभाला नहीं जा रहा माशाल्लाह। अभी आ रही है हम अपनी नो तो यहाँ से निकले बस जी थोड़ी देर जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा था सनफ नाजक, तो यहाँ पर जितनी भी खवातीन हैं वो कह रही कि हम सनफ नाजक नहीं हम सनफ आहन हैं, तो ये तो बात नजर आ रही है प्रैक्टिकली नजर आ रही है कि ये वाकई ही जो बड़ी मुजामत जो है इनकी जो इरादे हैं वो बड़े पुख्ता हैं, और ये बड़ी मुजामत जो है देंगे टफ टाइम देंगे इंतजामिया को और हुकूमत पंजाब को। तो इसके अलावा जो है ना मेरे साथ जो है वो पूछने वाला की भी एक आईडी लेडी हैं, उनसे भी आपकी बात करवाएंगे, तो इनको तो बता मिल चुका गुजरांवाला में कि ये गुजरांवाला की आईडी लेडी है, तो इससे पहले कि मैं उनसे बात करूं मैं चाहता हूं कि मैडम रुबीना जो है ना वो मैं आप बात सिर्फ यहां और सिर्फ नाजुक को क्लियर करना चाहती हूं कि कल रात डी चौक में आपने देखा है कि हमारी वेमेन ने जो मुहतरमा हमारी सदर एमएमएन ने की कमल चौधरी की क्यादत में वो इस तरह लड़ी है, और सारी रात वो डी चौक में इतनी फसाइयत का मुकाबला उनको मारा गया, हमारी पत्नी रात को अरेस्ट हुई है और शेलिंग बेशुमार दी गई और डंडे बरसाए गए, और अभी तक हमारी औरतें थाने में बांध हैं, हमारे हौसले पस्त नहीं हुए, वरना आज आपको ये तादाद नजर ना आती और तादाद बढ़ गई है, खवातीन और जज्बे से आ रही है कि अगर ये तमाशा है और ये हमारे साथ ये सब कर रहे हैं, अगर आज हम नहीं निकलेंगे तो कल हमारे बच्चे क्या करेंगे, वो गुलाम पैदा होंगे, वो हमसे पूछेंगे हमारी माओ ने हमारे लिए क्या किया, आज हम फख्र कर रहे हैं कि हमारे बाप दादा ने पाकिस्तान बनाया था, उन्होंने कुर्बानियां दी थी, उस वक्त वो लड़ रहे थे, उनको नहीं पता था कि क्या वो पाकिस्तान देखेंगे या नहीं देखेंगे, आज हमें नहीं पता हमारी मूवमेंट कहाँ तक पहुंचेगी, लेकिन हम इसमें अपना हिस्सा डाल के रहेंगे क्योंकि ये तहरीक है और तहरीकें कभी नहीं रुका करें, चाहे 100 साल हो जाए चाहे आज मैं ना रहूँ कल ये ना रहेंगे, चलती रहेगी जब तक ये आवाम ये मुल्क आजाद नहीं होगा, एक इस्लामी रियासत नहीं रहेगी। और आपको पता है ये लाहौर की वो खवातीन है जो सबसे ज्यादा फसकाइयत जहाँ पे सबसे ज्यादा खवातीन लाहौर की आपको पता है अरेस्ट हुई और 8-8 महीने 9-9 महीने 12-12 महीने वो अंदर रही, लेकिन किसी का आपको इधर देख के बस नजर आया। हम हर जो है ना हर्डल भूल करेंगे, किसी चीज़ से हमें खौफ नहीं है, और हम उनके लिए भी दुआ करते हैं कि वो देखें वो इमरान
इमरान खान की बहनें हैं और उनका जज्बा तो आपने देखा है कि वो हमें लीड करती हैं, वो सबसे पहले चलती हैं, हम उनके साथ चलते हैं, तो ये तो हमारी हिम्मत और बढ़ गई है। और हमारी जैसे कि प्रेसिडेंट, मेरी जनरल सेक्रेटरी ने भी कहा है कि प्रेसिडेंट जो हमारी कमल शाहजेब है, कल पूरा रात 3 बजे तक तो हम उनको फॉलो करते रहे, 3 बजे तक वो वहाँ पे डी चौक में बैठे हुए शेलिंग में आंखें उनकी बिल्कुल बंद हो रही थी, सांस उनके रुके हुए थे, लेकिन वो वहाँ से नहीं हटा और आज फिर वहाँ पे पहुँच गई हैं। आप कैसे हौसले, हमारे तो बहुत बुलंद है हौसले। जहाँ भी मैं पब्लिक के लिए होता हूँ आप पहले ही आगे खड़ी होती हैं, आप दोस्त कैसे पहुँच गई? और अगर आपका दिल है, अगर आपकी नीयत है, तो आप पहुंच सकते हैं, सिर्फ ये बात है। और इमरान खान के लिए तो लोग आप देख रहे हैं क्या कर रहे हैं इमरान, वो तो रातों रात और दरिया पूर कर रहे हैं, समंदर पूर कर रहे हैं, कराची से आ रहे हैं, हम तो फिर गुजरावाला से आते हैं। और फसदियत के बावजूद आप देख रहे हैं कि कितनी खातन आई हैं, और ये तहरीक नहीं, ये इनकलाब है, इनकलाब आने वाला है इंशाल्लाह, ये इनकलाब डूबेगा। और ये आपस की बात है, सबसे मुश्किल एक सवाल पूछता हूँ, तो गिरफ्तारी के लिए कौन कौन तैयार है? ये देखें कफन की आप ऐसे बात नहीं करें, अल्लाह ताला ने भी खुद आपको ये किया, हम ये नहीं कहते हमें शहादत चाहिए, हम एक कॉज के लिए निकले हैं, हम अपने लीडर इमरान खान के लिए निकले हैं, और हम खवातीन हम देखिए आप ऐसा सवाल करके ना, हम किसी चीज़ से नहीं हटने वाले पीछे, हम इंशाल्लाह हमारे भाई उधर केपी से, हमारे पिंडी वाले, हमारे इस्लामाबाद वाले, जिनको सब और हमें सबको बर्गर क्राउन कहा जाता है। अब आपको कहीं से लग रहा है कि हम कहीं बर्गर भी खाते हैं हम, लेकिन क्राउन भी बर्गर है, लेकिन हमारी हिम्मत है, हौसले जवान है, इनको कहने दें बर्गर, आज ये बर्गर क्राउन इनको दिखा देगा कि आज ये कैसे वहाँ पर पहुँच के दिखा। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन हैं, उनके जज्बा, उनका हौसला और उनकी जो अज़म है, आपने बराह रास्त सुना, तो देखने में तरह से लग रही है बड़े मसनून चेहरे हैं, सीधे साधे लोग हैं, लेकिन उनकी अज़म और इरादे जो हैं वो एक खौफनाक पेश मंजर है, वो पेश आ रही हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे डी चौक के अंदर तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने अपनी जो लोह है उसको मंगवाया डी चौक के ऊपर, बल्कि पूरे इस्लामाबाद के ऊपर कब्जा कर लिया है, तो लग रहा है कि आज जो है पंजाब का भी जो तख्त है ना वो लर्ज जाएगा, खवातीन का जो जज्बा है वो बहुत है, तो जो खवातीन जो है तो थोड़ी देर तक यहाँ से काफिला निकलेगा, तो इंशाल्लाह जो मजीद अपडेट्स होंगी उसके साथ आपको आगाह करेंगे। बरए मेहरबानी हमारा साथ भी है, जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।